आयुष्मान को नहीं चलाने का काम किया उनके ऊपर होनी थी और कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर होनी थी जिन्होंने गलत आंकड़े सरकार को दिए और जो सरकार लगातार गलत आंकड़े कोरोना में बता रही है। पर FIR किस पे हुई? जिन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर को ऑक्सीजन देने का काम किया, छिंदवाड़ा को देने का काम किया, इंदौर को देने का काम किया, उज्जैन को, जो जनता के मूल मुद्दों को उठाने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता को, जो आप कोरोना के लाभ की बात करते हैं कि पहले आपने 1 करोड़ की घोषणा करी, फिर आपने 50 लाख की घोषणा करी, फिर 5 लाख की घोषणा करी, पर एक भी कोरोना वॉरियर्स को पैसे नहीं दिए गए। आज जब 1 लाख की घोषणा करी तो भी आंकड़ों की जो बाजीगरी करने का काम कर रहे, इसके खिलाफ हम FIR करने आए कि ये लाखों लोग मरे, आप सिर्फ कम बता रहे। और आपने जो पहले कहा था कि कोरोना सिर्फ एक सर्दी खांसी है जिसके कारण लोगों की मौतें हुई है, आपके ऊपर भ्रम फैलाने की FIR के लिए हम लोग यहाँ पे थाने पे आए। जन से छुपाने एवं प्रदेशवासियों को भ्रमित करने के एवज में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर मुकदमा दर्ज करने बाबत महोदय उपरोक्त प्रसार अंतर्गत निवेदन है कि वर्ष 2021 के प्रारंभ दौर में जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर ने मध्य प्रदेश में अपने पांव पसारना शुरू किए और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु का सिलसिला चालू हो गया। हालांकि दूसरी लहर की शुरुआती दौर में स्थिति इतनी भयावह नहीं थी। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते रहे हैं उनके इशारे पर कोरोना पीड़ितों की संख्या को छुपाया गया है। यहां तक कि शमशान घाट एवं कब्रिस्तानों में हुए दाह संस्कारों की संख्या हजारों में होती है उसको छुपा रहे हैं और ना ही इलाज की समुचित व्यवस्था कराई है। आज भी भोपाल में ब्लैक फंगस के सैकड़ों मरीज दवा और इंजेक्शन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है जिसके लिए सीधे